अभी बच्चों का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं मिला है, कौन जिम्मेदार है? जो फार्म भरा है वो जिम्मेदार है, जवाब दीजिए। फार्म जो भरे है वो जिम्मेदार है, हेडमास्टर हैं। हाँ है, तो बताइए कौन जिम्मेदार है? जो फार्म लिया है पैसा वो जिम्मेदार है। बच्चे जो है तख्ती लेकर के घूम रहे हैं सारे बच्चे, इनका भविष्य आप लोग खराब कर रहे हैं। हमको बोल रहे हैं कि आप बाहर चले जाइए, आप हमको बाहर भेज रहे हैं। आप यहाँ बैठ के घोटाला करिएगा, आप जवाब दीजिए कौन कौन घोटाला किया है? लाल माझी किया और नहीं है, सस्पेंड हो गया। क्यों भेज रहे हैं? कहने जाइएगा, क्यों भेज रहे हैं? आपको अनुमति कराना होगा। खबर कौन अनुमति? जाकर हमारे विभाग से लेकर शिक्षा मंत्री बोल दिया कोई अनुमति नहीं चाहिए। नया कानून मत पढ़ाइए। आप दिखाइए ना, आप माधक जी देख लीजिए, कहाँ देख लीजिए, ये आपके टीचर लोगों का यही हाल है। शिक्षा मंत्री बोल दिया कोई नहीं चाहिए, शिक्षा मंत्री बोल दिया कोई कुछ नहीं चाहिए। मीडिया कहीं भी पहुंच सकता है, आप डराने का, आप डराइए मत। अभी मैं हूँ उचका गांव प्रखंड क्षेत्र में, और सामने देख रहे होंगे ये स्कूल है स्वामी प्रकाशन 10+2 विद्यालय रबुआ जमसड़। बताया ये जा रहा है कि इस स्कूल में जो है बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं समझते हैं कि क्या कुछ घोटाला हुआ है, क्या सच्चाई है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे बच्चे भी हैं, स्टूडेंट देखिए बाहर खड़े हैं बहुत सारे छात्र। इनका भी आरोप है कि एडमिट कार्ड हम लोगों को नहीं मिला है, पैसा ले लिया गया है। तो चलिए बातचीत करते हैं, क्या नाम है? दिग्विजय सिंह। क्या मामला हुआ है स्कूल में? बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है इस स्कूल का, क्या क्या कुछ मामला है? सर हमारा जो फॉर्म है ना डमी का, वो भराया नहीं है और हम लोग का डमी नहीं मिला है। हम लोग ने फॉर्म भर कर दिया है नंदलाल सर को, वो शायद पैसा रख लिए हैं और हम लोग का फॉर्म नहीं भरा है। उसके बाद फॉर्म का भराया 980 का, 980 रुपया फॉर्म का लगा। हाँ, और उसके बाद अभी एडमिट कार्ड का जो इशू हो रहा है उसका 20 रुपया लेगा लो, लेकिन हम लोग का तो आया ही नहीं है। मतलब सिर्फ कार्ड देने का 20 रुपया? हाँ हाँ, अच्छा। रजिस्ट्रेशन कार्ड का 10 रुपया, रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए 10 रुपया। अच्छा, उसके लिए 10 रुपया। हाँ, वो क्या चीज है? वो कार्ड आता है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 9th क्लास का। हाँ, अपने लिए। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसी नहीं मिला है, रसीद भी नहीं मिला, कितना लड़का से पैसा भी भर, चंद्रशेखर कुमार। अच्छा, क्या नहीं मिला है? रसीद नहीं मिला है, जो रजिस्ट्रेशन हम किया है ना, और लड़का से पैसा भी बढ़ा कर लिया गया है, जो बाहर का लड़का है। जो पैसा आप लोगों से लिया जाता है उसका रिसीविंग आप लोगों को मिलता है? नहीं, आप लोग मांग करते हैं? यस, इसके बाद हड़ताल भी हम लोग किए हैं। क्या नहीं मिला? किए थे हड़ताल, ये एक दो महीना पहले हड़ताल किए थे। उसके बाद आप लोगों को रिसीविंग वगैरह कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमारे 10,000 रुपया आप बैंक में दिए अपने अकाउंट में जमा करने के लिए, तो उसका रिसीविंग मिलता होगा ना कि आपका इतना पैसा आपके अकाउंट में जमा मिलता है, रिसीव भी मिलता है, मैसेज भी आता है। पैसा दिए हैं तो उसका रिसीविंग कोई नहीं मिला है? कोई कुछ भी नहीं मिलता था। आप लोग मांग किए हैं? यस, खेल कूद के सामान के लिए हम लोग पिटाए हैं, इतना रूम साफ भी किए हैं। अब जो टूर्स का पैसा आया था 20,000, एक और 9th में आया था 20,000, 40,000 मिलाकर वो भी खा गए नहीं लेकर। 20,000 किस चीज का? टूर का पैसा आया था खाने के लिए ले जाते हैं। अच्छा, टूर के लिए? यस। तो टूर का जो जो जिससे पूछ रहे हैं वही बोले, टूर के लिए जो आया था उसका कोई टाइम टेबल है कि इस तारीख से लेके इस तारीख के अंदर घुमा देना, कुछ है ऐसा? हम लोग को पता है, हम लोग को बताया ही नहीं गया था, वो तो पैसा लेके रख लिया। मतलब टूर का पैसा आया है अभी तक किसी को घुमाया नहीं गया? परमिशन हम लोग का बताए थे क्या कि पैसा आया है, तुम लोग मांग करो, तो मांग किए लो तो वो करे की अगली, मतलब मांग करेंगे तभी होगा। आप देख सकते हैं कितने तरह का घोटाला है, आइए जानने का कोशिश करते हैं, अंदर चलते हैं। और तो इस पंचायत के आप मुखिया हैं, क्या नाम है आपका? हल्ला मत करो लोगों। मेरा नाम वीरेंद्र माझी जी। वीरेंद्र जी, अभी इस स्कूल की लड़का, अभी इस स्कूल की जो परिस्थिति बनी हुई है, लड़कों का इतना सारा आरोप है, हम तो देख रहे हैं कि जिस हिसाब से आरोप लगा रहे हैं, अगर इनके आरोप में सच्चाई है तो यहाँ तो भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा को पार कर दिया। सही बात है, बच्चों लोग का, बच्ची लोग का जिंदगी के सवाल है, ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। जैसे अभी बता रहे एडमिशन के टाइम में वो जो पैसा दिया उसका भी रिसीविंग नहीं मिला, नहीं मिला है किसी भी चीज का रिसीव, कहाँ धूल उड़ा रहा है कौन? अरे यार, कौन उड़ा रहा है? नहीं मिला है सर, जो भी शख्स कार्रवाई हो बच्चे लोग के, हाँ।
मतलब इस स्कूल में जो भी बच्चे फीस देते हैं किसी भी चीज का, किसी भी चीज का रिसीविंग अभी तक नहीं मिला है, नहीं मिला है। क्या आपको इसके पहले ये बात संज्ञान में नहीं आया है? बता रहे कि हम हड़ताल किए हैं। नहीं नहीं हड़ताल तो किया है, दो तीन दिन से ही चल रहा है। आप लोग मुखिया जी के पास कभी लेके गए हैं कम्प्लेन? ना आज लोग गए हैं मुखिया जी के पास, आप लोग कम्प्लेन लेके गए? इसके पहले नहीं, इसके पहले नहीं गए, नहीं इस बार गए हैं। क्योंकि मुखिया जो होता है एक तरह से पूरे पंचायत का मुखिया है, और उसी पंचायत अगर कोई मामला है उस पर कार्रवाई नहीं होता है तो मुखिया के संज्ञान में तो आना चाहिए ना। हाँ, तो बोल रहे कि हम नहीं जाएंगे। मुखिया जी बोले थे कि हम नहीं जाएंगे। देखे सामने बात हो रहा, हम बना के नहीं। अरे आज ये लोग गए, हम तो आए हैं। हम ही लोगों के ऊपर एफ आई आर मत करवा दीजिएगा, ठीक है? कौन धूल उड़ा रहा है भाई? ठीक है, बच्चों लोग का भविष्य का सवाल है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल अभी थे पहले, बहुत पैसा लेकर के भाग गए हैं, इसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या कहेंगे? अब तो यहाँ का जो भी अध्यक्ष लोग है, इथिल है, वो लोग जाने के जहाँ कितना पैसा निकासी हुआ है, कैसे क्या हुआ है, तो हेडमास्टर और सचिव बोलते हैं कि इसमें भी तो निगरानी समिति का इसमें भी चुनाव होगा। हाँ, वही लोग कह रहे हैं। हाँ। वही कह रहे हैं, उन लोग को पता होगा कैसे कैसे तो चुनाव होता है उसमें। जैसे वार्ड, जिस क्षेत्र वार्ड में पड़ता है स्कूल, प्राइमरी स्कूल है जिस वार्ड में पड़ता है, तो वहाँ का जो वार्ड है वही उसका अध्यक्ष होता है। नहीं, तो आप लोगों को इसमें कोई पद वो मिला है कि नहीं? नहीं, में? नहीं हम लोग का नहीं है, नहीं मिला उसमें से। तो निगरानी समिति की चुनाव हुई जी, हम लोग का उसमें। उसमें से क्या कोई यहाँ पे आया है? नहीं, उसमें से सचिव वगैरह जो चुने जाते हैं, अध्यक्ष वगैरह जो चुने जाते हैं, ना वो लोग नहीं है, कोई नहीं आया। अब देख सकते हैं जितने भी स्कूलों का ये जो चुनाव होता है ये तो बिल्कुल फेल है, ये किसी काम का ही नहीं है। उसी आदमी को चुना जाता है जो पहले ही से भ्रष्टाचारी हो, क्या करेंगे, वो भी अपना हिस्सा लेके साइड हो जाता है। जैसा कि अभी बताया जा रहा है बच्चे जो बता रहे हैं, देखिए पैसा लेकर के और चले गए हैं। ए बाबू इधर आइए, अभी जो आरोप लग रहा मास्टर साहब, हाँ। मास्टर साहब क्या पैसा लेकर के चले गए? डोमी एडमिट के लिए, डोमी एडमिट काट के। कितना पैसा लेके चले गए? 1 करोड़ से बेसी लेकर गए रहे हैं। 1 करोड़? 1 करोड़? आप लोगों को कैसे मालूम चला कि 1 करोड़ रुपया लेके? सर बोल रहे थे, सर बोल रहे थे। कौन सर बोल रहे थे? कौन सर बोले? बीके सर बोले, बीके सर। हम के सर भी बोल रहे थे। इस स्कूल में कितने बच्चे हैं? 540 तो, अच्छा। तो ये जो आप लोग बता रहे हैं एडमिट कार्ड का पैसा लेके चल, डमी एडमिट कार्ड का। हाँ। डमी, हाँ। एक डमी एडमिट कार्ड का चार्ज कितना होता है? 900 ले लिए हैं। 500 लड़के ऑलरेडी है इसमें जो दिए हैं? हाँ, और किसी का भी नहीं है 3 साल से ऐसे। हाँ ऐसा ही कर रहे हैं हर साल। पिछले साल भी मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो 1 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। Yes. और क्या कुछ हुआ, और क्या क्या घोटाला हुआ? अभी बता रहे टूर का पैसा आया। हाँ, टूर का आया था, उसका भी नहीं दिया। साइकिल का पैसा आया था, हम लोग का साइकिल का नहीं है, कुछ भी का पैसा हम लोग का नहीं आता है। जितना मांगते हैं उतना हम लोग देते थे लोग। हाँ। कुछ भी का नहीं है। पैसा आप लोग को कैसे मालूम चला कि टूर का पैसा आया? परवीन सर बताए। ये है जी बात, परवीन सर बताए थे। पीछा पीछा हटा लो ना, परवीन सर बताए थे। वो इधर सुनिए, वो बात नहीं हमारी बात सुनिए। आप हमको बताइए, अभी बच्चों का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं मिला है, कौन जिम्मेदार है? जो फार्म भरे वो जिम्मेदार है। हमको जवाब दीजिए, फार्म जो भरे वो जिम्मेदार है? हेडमास्टर हैं। हाँ है। तो बताइए कौन जिम्मेदार है? जो फार्म लिया है पैसा वो जिम्मेदार है। बच्चे जो है तख्ती लेकर के घूम रहे हैं सारे बच्चे, इनका भविष्य आप लोग खराब कर रहे हैं। हमको बोल रहे हैं कि आप बाहर चले जाइए, आप हमको बाहर भेज रहे हैं। बतिया सुनिए, आप यहाँ बैठ के घोटाला करिएगा। आप जवाब दीजिए, कौन कौन घोटाला किया है? लाल माजी किया, और नहीं है सस्पेंड हो गया। क्यों भेज रहे हैं? कहने जाइएगा, क्यों भेज रहे हैं? आपको अनुमति लेकर आना होगा। खबर कौन अनुमति? जाकर हमारे विभाग से लेकर आइए। शिक्षा मंत्री बोल दिया कोई अनुमति नहीं चाहिए। नया कानून मत बनाइए। आप दिखाइए ना, आप के पाठक जी देख लीजिए। कहाँ देख लीजिए? ये आपके टीचर लोगों का यही हाल है। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री बोल दिया कोई नहीं चाहिए। शिक्षा मंत्री बोल दिया कोई नहीं चाहिए। मीडिया कहीं भी पहुंच सकता है। आप डराने का, आप डराइए मत, आप डराइए मत, आप चिल्लाइए मत, डराइए। सुनिए, आप सुनिए, चिल्लाने को आपने मजबूर किया है? हमने नहीं किया है। आपने मजबूर किया है? हमने नहीं किया। कैंपस से भागा, कैंपस के बाहर आप यहाँ घोटाला होगा, हम बाहर जाएंगे बात करने के लिए। तो आपने देखा जो हाई स्कूल की परिस्थिति है, सुनने में आ रहा है कि डीओ साहब आए हैं, लेकिन बच्चों बता रहे हैं कि डीओ साहब नहीं आए हैं। डायरेक्ट के पाठक जी को यहाँ पे संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले को देखना चाहिए अपने स्तर पे कि क्या कुछ मामला हुआ है, क्योंकि ज्यादातर स्कूलों का यही दुर्दशा है। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए
कमेंट कीजिए कि हमारा यह प्रयास कैसा रहा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।